combination of enforcing from the law side, from official side and volunteering. दोनों का एक अच्छा मिश्रण मिले, combination मिले तो बहुत बढ़िया होगा. मुझे लगता है कि awareness के साथ में थोड़ी सख्तता रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही की वजह से इतने लोग बीमार हो जाते हैं. डेंगू सबको मालूम है कि किस तरह से फैलती है, गंदगी कचरे की वजह से मलेरिया डेंगू जैसे बीमारियां फैलती हैं, एंड इनका इम्पैक्ट लाइफ टेकिंग होता है ऑन सो मेनी पीपल. तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. मैं इस काम के लिए BMC को बहुत बधाई देता हूँ. जो भी साफ करते लोग हैं, हाँ आइए ना, कम आइए 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 आइए, आमिर आने दे, साइड हो जा, आइए माता जी आइए, ये आइए आइए इधर आइए आइए, या तुम ही थे या तुम ही थे. ये जो है तुमसे नाव क्या है मैडम? गिरजा भाई जी हैं, जो हमारे हमारी रियल सेवक जो है, रियल जो हीरो है, हम लोग फिल्म के हीरो हैं, दीज आर रियल हीरोज. ये कई सालों से, कितने साल से कर रही हैं गिरजा भाई? तीन बरस से रोज सुबह आके यहाँ पे, शाम आके यहाँ पे, जुहू बीच हम खाते हैं, कचरा फेंकते हैं, ये लोग साफ सफाई करते हैं. लेकिन अकेले कितना करेंगे, कितना कचरा होता है. हाँ तालियां यार सब मारो, आप लोग गंदे करने वाले हो, आप लोग ताली मारो ज्यादा. एक और सवाल है मेरा आपसे, आप काफी सालों से सोशल काम करते आ रहे हैं, काफी अवेयरनेस भी आप फैलाते आ रहे हैं, मतलब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से आपका जो पॉलिटिकल जो स्नेहो है वो आप काफी दिखा देते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स पर, तो क्या कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको पॉलिटिक्स में भी हाथ देख सकते हैं? फ्यूचर के बारे में क्यों स्पेकुलेट करना है यार, नो पॉइंट इन डिस्कसिंग द फ्यूचर. आज की बात करें, अब मुझे ये सोचना है कि मुझे कितने लोगों को नॉमिनेट करना है और किस किस को नॉमिनेट करना है. आई थिंक उस बारे में मैं आप लोगों से भी, मीडिया वालों से भी, और अपने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के जितने मेरे वॉलंटियर्स हैं उनसे भी मैं पूछूंगा, एंड हुएवर दे फील, हम लोग उन सबको नॉमिनेट करेंगे. विवेक आपको क्या लगता है जब सेलिब्रिटीज अभियान में आगे बढ़ कर आ रहे तो अभियान कितने लोग लग जाते हैं? आई थिंक ऑलरेडी बहुत जबरदस्त मोमेंटम बढ़ा है, एंड आई थिंक नरेंद्र भाई का ये बहुत फिनोमिनल इनिशिएटिव रहा है, जो जिस तरह से उन्होंने पूरे भारत को इन्वॉल्व किया है. आज हम हैं, आप हैं, मीडिया वाले हैं, जो लोग आज टूरिस्ट हैं, सब बोल रहे हैं. जब हमने झाड़ू उठाया तो सब चिल्लाने लगे स्वच्छ भारत. तो एक चीज कम से कम एक अवेयरनेस पहुंची है. आदत बदलने में समय जरूर लगेगा, बट स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस पहुंचना पहला कदम था, वो बहुत ब्यूटीफुली अचीव किया स्वच्छ भारत अभियान ने. बहुत बढ़िया है, क्या बात है. तो जिन जिन जगहों में ये कह रहे हैं, इन्होंने सर्वे किया है कि जिन जिन जगह में सफाई हुई है उनकी सफाई की मेंटेनेंस बहुत जबरदस्त हुई है, तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बहुत बढ़िया शुरुआत है. और उंगली तो सब उठा सकते हैं, मुझे लगता है कि उंगली नहीं उठाना है, हाथ बढ़ाना है और झाड़ू उठाना है, राइट.